ऐसा पेपर वैसे बनने नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनने चाहिए, बहुत इजी पेपर था ये। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अपन तो मुश्किल पास होंगे इस आरजीएस एग्जाम में, उम्मीद यही करता हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आज है आरजीएस का पहला दिन मेंस एग्जाम का, तो व्लॉग बना रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखना, जो भी हो सकेगा वो दिखाऊंगा आपको, और मेंस एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो सब डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। तो अभी सोनू भैया का वेट कर रहा हूँ मैं, सोनू भैया के साथ जाएंगे, सोनू भैया का ही पेपर है, हम दोनों का एक ही जगह सेंटर आया है, सुबोध कॉलेज। वैसे जयपुर में दो जगह सेंटर आया है, एक सुबोध कॉलेज है और एक और कोई कॉलेज है, स्कूल है, और जोधपुर में सेंटर आया है, क्योंकि ज्यादा बच्चे है नहीं इस बार, 3,500 से 4,000 के बच्चे सेलेक्ट हुए, तो दो जगह डिवाइड कर दिया। सोनू भैया आ गए, मामा जी के रुकेंगे, बीच में गैप है 2 या 3 घंटे का, 3 घंटे का, तो 3 घंटे का गैप, गैप काफी बड़ा रहता है इसमें, तो इसलिए मैंने कहा था होटल आसपास करना। अब चलो, आप तो चलो 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 ठीक है, मंदिर आए पर पट अभी बंद है, तो ढोक दे के चलते हैं, आज तो बिल्कुल खाली है, ऐसा भीड़ नहीं है। गाड़ी पार्क कर दी है, बहुत दूर पार्क करी है, रिजर्व बैंक के सामने, जगह ही नहीं है आज, और चलो कोई नहीं, आप पहन जरूरी है। तो पेपर देख के आ गए पहला, और देखो क्या है, जो बच्चे रट के बैठे हैं ना, ऐसा पेपर वैसे बनने नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनने चाहिए, बहुत इजी पेपर था ये। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम जैसे नुकसान है ना, पहली बार पेपर दिया मेरे को 30 नंबर का छूट गया, 70 नंबर का अटेंड किया है, पेपर तो छूटता है, ज्यादा का छूटा है मेरा पेपर तो छूटता है, ले लो। और भीड़ इतनी है यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये सुबोध कॉलेज में पार्किंग अंदर तो है नहीं, बट जितना टफ पेपर मेंस प्री का था ना, उसके सामने तो पेपर कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही इजी। कल का जो वैसे ब्लॉग तो आप कल के बाद ही देखोगे, अभी हिंदी का पेपर बचा है, तो अभी मामा जी के घर जा रहे हैं, तो वहां जाके मिलते हैं आपसे। रेस्ट कर लिया, अब सेकंड पेपर के लिए निकलते हैं, हिंदी का पेपर है, सोनू भैया तो लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ होते हैं, मैं थोड़ा सो लिया, नींद ले ली, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, ठंडे पानी की बोतल ले आए हैं, इससे मुंह धोएंगे आराम से, आराम से। भैया एक दो को मारते हुए, कुछ भी कुछ भी, ये जज बनने जा रहे हैं, एक दो को मार रहे हैं, पेपर से फ्री हो गए, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे आज पेपर देख के इतना दुख हुआ कि पढ़ना चाहिए था, बहुत इजी पेपर था ये, आप एंड तक तो पढ़ते रहे, एक महीने कुछ नहीं, मैंने है ना परसों बेरेक्ट उठाया था, परसों भी नहीं, कल उठाया था 5 बजे बेरेक्ट, देख लो फ्यूचर जज देख लो, ये रहा एक, ये भैया बन जाए तो बन जाए, अपना तो नहीं, शक्ल से लग रहा है जज, शक्ल से सभी जज लगते हैं, हम लग रहे हैं, सब तो नहीं लग रहे यार, ये तो हम नहीं लगते, ये तो सहमत नहीं है। घर आ गया था मैं एग्जाम देके, और पेट पूजा चल रही है, यही मैं पढ़ता भी यही हूँ मैं, और अब मेरे बस की है नहीं पढ़ने की, कल सुबह उठ के पेपर देके आ जाएंगे। हिंदी का पेपर मेरा तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हिंदी पहले से ही खराब है, सिविल का सबका ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सिविल का पेपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 1 या 2 थे, और तो सिविल का सबका ही अच्छा हुआ होगा, जो रट के बैठे हैं उनका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा सिविल का, कल देखते हैं क्रिमिनल का पेपर कैसे आता है, तो कल आपसे मिलेंगे। सोनू भी आ गए नेक्स्ट डे के लिए, गाड़ी में था कल, किसका था, आपके फ्रेंड का था, ये लड़की बोल रहे हो यार, अरे नहीं उसका ये सर कबूतर सबका है, लड़की का आया किसी किसके रूम आ गया है, रात को बताओ, रात को भी जाएंगे दरअसल घूमने, रात को थोड़ी आते हैं, रात को ही जाते हैं, रात को नहीं, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप। आज पट खुले मिल गए, तो दर्शन कर लिए, अब एग्जाम के लिए निकलेंगे, 8 बज गए होंगे, सोनू भैया आ जाए, आप भी दर्शन कर लो सब। वो इतनी दूर गाड़ी लगानी पड़ रही है, क्योंकि सेंटर के आगे ऐसे जाम लगता है, ये आरबीआई है, यहाँ पे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना आरबीआई की है, ये बत्ती है, यहाँ से पैदल चलना है 0.5 किलोमीटर होगा, और इस गली में गाड़ी पार्क करी है, कल भी यहीं पार्क करी थी। सोनू भैया की तो पढ़ाई खत्म ही नहीं होती, अभी भी पढ़ रहे हो, एंड टाइम तक पढ़ते रहते हैं सोनू भैया। बहुत ही बेकार पेपर हुआ है मेरा तो क्रिमिनल का, और अपन तो मुश्किल पास होंगे इस आरजीएस एग्जाम में, उम्मीद यही करता हूँ अगली बार ना दूं, घर वाले पीछे ना पड़े, अपना तो मोह उठ गया, मतलब इससे सही बात है ना भैया, भैया का मस्त हुआ, भैया टॉप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी करो, टॉप तो टॉप होता है, भैया का अभी भोजन चल रहा है, पढ़ाई साथ दोनों चीज चल रही है।
या तो खाना खाते हो क्या दिक्कत है, मैंने व्रत किया है। आप खाते नहीं हो। मेरा व्रत है भैया, मेरे लिए बनवा के नहीं ला, अकेले अकेले खा रहे हैं। कल घी के बढ़िया पराठे वो फेंकने में गए, गाय किए हैं, गौ माता ने खाए। बोले आप लायक नहीं हो खाना खाने के, पेपर तो करते नहीं हो ढंग से। चलो एक पेपर और दे लेते हैं लैंग्वेज का, उसके बाद बात करेंगे। पेपर से हो गए फ्री। और देखो बेल्ट वेल्ट का ज्ञान मत देना। क्यों नहीं देना, लगाना चाहिए बेल्ट। देखो वीडियो चालू है तब लगा रहे। अरे मैं तो हमेशा लगाता हूँ महाराज, अभी बेल्ट वेल्ट लगाना। इस गाड़ी में कोई एयरबैग नहीं है, भिड़भिड़ा के तो मारुति गाड़ी है। अरे मजबूत गाड़ी है। पेपर हो गया, देखो ऐसा है रिजल्ट आएगा तब बता देंगे हम पास है या फेल। क्यों भैया, पहले बताया हमको तो नहीं, फिर भी रिजल्ट आएगा हम बता देंगे। और इंग्लिश के थोड़े टॉपिक दो बड़े, आधे बच्चों को आपने फेल कराया है। क्यों एग्जाम पोस्टपोन होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा। आज नहीं बोला मैंने, कब आपने बोला? आपके कमेंट डिस्कशन में यही होता था बस, तो कमेंट भी करे, कमेंट पे कोई डिस्कस कर रहा है तो मेरी गलती है। बिल्कुल आपकी गलती है, आपको कमेंट डिलीट कर देनी चाहिए। 100 रिप्लाई हो रहे हैं एक कमेंट पे, आपको कमेंट ही डिलीट कर देना चाहिए, दोबारा कोई करेगा ही नहीं। खुद यार वो या तो पता नहीं क्यों कर रहे थे। एक तो आपके कौन है वो लड़की, में नाम भूल रहा हूँ, वो हर उस पर कमेंट करती थी पोस्टपोन होगा, ये है वो है। एग्जाम के एक दिन पहले, वो दो दिन पहले ऐसे गायब हुई है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। अभी तो रिट का 2 वीक बाद वो है ऑर्डर, मैं अभी कुछ नहीं होगा, नहीं मैंने होगा नहीं, पर है अभी भी चल रहे हैं मैटर, अभी पोस्टपोन करवा लो आप। हाँ कर दो मेरी तरफ से, तो इतना इजी पेपर दिया है जो जो रट के बैठे ना बेरेक्ट, उसके लिए तो मतलब चपरासी का भी नहीं होता इतना इजी पेपर, इतना इजी पेपर ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन यार, नंबर नहीं मिलते भैया अब तो लग रहा है। अब वो हार्ड चेकिंग वही, वो एक अलग बात है। देखो डिसाइड, अब पेपर तो इजी था आपसे डायरेक्ट, डायरेक्ट सीआरपीसी में आपसे इतना इजी, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने के आधार बता दो, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा सीआरपीसी में। अरे वो ठीक है, चलो आपसे आपने जवाब भी दे दिया, अब चेकिंग के ऊपर है कि कौन कैसे क्या चेकिंग करता है। उसको अपनी राइटिंग समझ में आया नहीं है, राइटिंग हमारी समझ आया नहीं है, वो भापड़ा बोले यार। देखो मेरे बगल में लड़कियां बैठी थी, उन्होंने एक जगह भी काटा पीटी नहीं करी। और सुनो, और भैया वो सुनो, इंग्लिश का भी पढ़ रहा है, वो हिंदी में लिख रही थी, हिंदी में लिखती है और वैसे सारे पेपर, तो भी इंग्लिश के पेपर में एक भी काटा बिटी नहीं। और हम जैसे इंग्लिश लिखते हैं हमारे पेपर में, वो देख के फेंक देगा, बोला से चेक के बनते हो। आपकी बिटी खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश तो अरे काटा बिटी तो करता है, मतलब राइटिंग तो खराब है। अरे साफ सुथरी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपी व्हाट्सएप की जितनी इंग्लिश आती है ना मैसेज टाइप करने की, उतनी इंग्लिश ऐसे लिख के आया हूँ मैं तो। चलो कोई सरस पार्लर आ गए तो यहाँ पे हम सब इस तरह से जाना रोड। अरे हम ही इलीगल है, आ जाओ आप तो एक गाय, ये बच्चे भी इलीगल काम कर रहे हैं, देखो कितने अंकल के साथ आइसक्रीम खाएंगे यार। अब यहाँ से कूदा कूद जाऊंगा क्या मैं, और जिम काहे को जाते हो? तो जिम कूदने के लिए जाते हैं क्या? देखो इधर देखो, कूदने की जरूरत ही नहीं है, इधर देखो डायरेक्ट कूदने की जरूरत ही नहीं है। आप लंबे ज्यादा हो ना, तो भाई साहब ऊपर ही बहुत आगे। वीडियो बनाने चक्कर में मत रहो आप, समझे ना, वीडियो बनाते रह जाओगे नहीं तो। कोई नहीं, अब पेपर हो गया अपना तो अब पूछ जाते हैं मन। कल का, कल 100 रुपये तो दिए होंगे आपको गाड़ी में ही, आधार कार्ड में। अरे यार नहीं मेरे पास है, मैं तो लेता दिखता यार ऑनलाइन से। नहीं मैंने खर्च कर लिए थे थोड़े, लो आपको लेके आओ, सॉफ्टी लो आप। कितने की है? 15 की है क्या? अरे बोल ही नहीं रहा भाई मुंह से, तो लिख दिया उसने, वो देखो 15 रुपए, वो देखो 15 की है, लाओ। है एक चॉकलेट, एक वनीला, एक साथ ही ले लो। हाँ पिघल जाएंगे, चाहे वो पिघलेगी। देखो कभी कोई जयपुर घूमने आओ ना तो यहाँ की सॉफ्टी जरूर खाना, सरस की। देखो भाई साहब भी गर्दन हिला रहा है, प्राइस भी ज्यादा नहीं बढ़िया। हम स्कूल में थे तब भी 10 रुपए कुछ थी, मैं जब बीकॉम में था तब भी शायद 12 रुपए थी या 10 रुपए, तो 12 रुपए थी शायद, तो सही स्ट्रॉबेरी। देखो आइसक्रीम खाओ, मजे लो, अब एग्जाम खत्म, एग्जाम खत्म। अभी घर पहुंचा हूं, नहाया हूं, कुछ खाऊंगा। अब आपको एक्सप्लेन करता हूं पेपर के बारे में, जो फ्यूचर में आप इसका बेनिफिट उठा सको। देखो आरजेएस में अगर आपको क्लियर करना है प्री मेंस इंटरव्यू, प्री आपको बेरेक से पढ़ना है, बेरेक से बाहर पेपर नहीं आएगा। और मेंस के लिए आपको खुद के नोट्स होने चाहिए और आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत कम क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे,
क्रिमिनल में दो चार क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट बेस, और सिविल में तो शायद एक या दो थे, तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और अधिकतर देखा गया सिविल का पेपर डायरेक्ट ही आता है, क्रिमिनल का पेपर कॉन्सेप्ट बेस आता था, पर इस बार वो भी डायरेक्ट ही आया। तो आपको रटना है, रिविजन डेली करना है, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है। जब प्री मेंस निकाल लोगे तो इंटरव्यू की बात तो बात की बात आती है। तो देखो, और लैंग्वेज का पेपर कुछ भी आ सकता है, निबंध चाहे आप कितना ही पढ़ के जाओ, आप सोचोगे भी नहीं वो टॉपिक आया है इस बार तो इंग्लिश में। तो और एक राजस्थान का ऐसे रहता ही है, राजस्थान से रिलेटेड ये सारी चीजें। बाकी कुछ भी पूछना हो आपको, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। और वीडियो आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लॉ से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे। लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, सारी अपडेट करता हूँ। और अभी पीछे देखो पूरा येलो येलो हो रहा है क्योंकि बारिश वारिश हुई है, मेरे घर के यहाँ बारिश हुई है, पर जहाँ हमारा एग्जाम सेंटर था वहाँ बारिश नहीं हुई। ये अच्छी बात है, अगर बच्चे गीले हो जाते, पेरेंट्स भी बाहर खड़े थे, दिक्कत होती है एग्जाम देने में और बहुत सारी चीजें भी होती हैं।